नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर जहां खुशियां मनाई गई थी, जिसको दीपावली का त्योहार कहा जाता है, इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में हर साल दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। लोग हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं। पूरे नगर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब फले फूले सब अच्छे। कोरोना काल के बाद इस बार दीपावली पर अच्छे व्यापार होने की पूरी उम्मीद है। मेरी तरफ से प्रदेश एवं गुना की जनता के लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से ही लोगों की मिठाई की दुकान पर भीड़ देखी गई। लोग खरीदारी करते हुए नजर आए तो वहीं मिठाइयों की दुकान पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने जाकर मिठाइयां खरीदी। कोरोना के बाद ये प्रथम वर्ष है जहां बाजार में काफ़ी हर्षोल्लास दिख रहा है। नवरात्रि से लेके अभी तक लोगों में अच्छा वातावरण माहौल में दिख रहा है। खर्चा करने में धार्मिक आस्था में बहुत बढ़ोतरी देखी है कोरोना के पश्चात। जो लोगों ने मैंने जो महसूस करा है वो ये है कि लोग आध्यात्मिक हो गए हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। चाहे वे नौजवान हो, चाहे वे सीनियर सिटीजन्स हो, सबने त्योहारों को मनाना शुरू करा है। और इसके कोरोना काल के बाद ये प्रथम वर्ष है जहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अब निकलना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। भय इस बार बिल्कुल पूर्णतः ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ा जो मुझे एक बात लग रही है, जो मुझे काफ़ी लोगों ने पर्सनली बोला है कि चीज़ें महंगी या सस्ती से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो ये महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, हमारे नेतृत्व में, हमारी सरकार के नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं आज की तारीख में, बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से हर देश अब युद्ध में उतर रहा है, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट में हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, हम आज भी सकुशल अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने त्योहारों को मना रहे हैं, वह सबसे बड़ी बात है। आज दीपावली के मौके पर क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को, जिलेवासियों? मैं बस यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। दीपोत्सव का त्यौहार है, इसको शांतिपूर्णता बनाएं। और सबको मेरी तरफ से शिमला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभ दीपावली सभी गुनावासियों को, सभी देशवासियों को। धन्यवाद। दीपावली रोशनी एवं रंगों का त्यौहार है, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर मनाएं, खुशियां बांटें एक दूसरे के साथ। इसी के साथ दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और सब गुनावासियों को, ढेर सारी। इस बार की दीपावली में क्या अंतर पा रहे हैं? ठीक है, वैसे थोड़ा है मार्केट में, लेकिन वैसे ठीक है। और आगे क्या उम्मीद है? आगे ठीक ही रहेगा, बस शुद्ध शुद्ध माल दे रहे हैं, अच्छा माल दे रहे हैं, देसी घी का माल दे रहे हैं। सब घर पे ही माल बनाते हैं, घर पे ही माल देते हैं। मिठाइयों की दुकान के अलावा शहर की कई जगह जहां पर भीड़ भाड़ देखी गई। मेन मार्केट में आप देख रहे हैं, ये हाट रोड का नजारा है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर फूल मालाएं से बिकी हुई बड़ी मात्रा में बिक्री हुई और बड़ी संख्या में फूल बेचने के लिए लोग यहाँ पर आए। और आप देख रहे हैं, ये सदर बाज़ार का व्यस्तम मार्ग है और सदर बाज़ार में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए।
न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।